आज हम अस्तर वाले ब्लाउज बाजू का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने अस्तर की लंबाई रखी है 5 इंच। अस्तर और जो हमारा बाजू का लेंथ है वो सेम रहेगा। सबसे पहले हम अस्तर में ही अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर ही एक मार्क करेंगे। इसके बाद इसे हम गोलाई में इस तरह से शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम बाजू का मेन फैब्रिक लेंगे और इसे इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इस पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे यहां से कट कर लेंगे। और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम चकोर शेप में एक गोल्डन कलर का कपड़ा लेंगे और साथ ही इससे छोटा एक रेड कलर का कपड़ा लेंगे और इससे हम अपना डिजाइन तैयार करेंगे। तो चलिए हम डिजाइन तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई चला लेंगे। इस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे भी हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई चला लेंगे। इस तरह के ढेर सारे डिजाइन हम तैयार कर लेंगे। यहां पर मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। अब यहां से हम सेंटर में एक मार्क करेंगे। इसके बाद हमने जो ये डिजाइन तैयार किया था इसे इसके बीचों बीच लगाते जाएंगे। अब इसी तरह से हम इस साइड भी लगा लेंगे। ये हमने अपना डिजाइन लगा लिया है। अब हम एक चौड़ा सा लेस लेंगे। ये मैंने एक चौड़ा सा लेस लिया है जो कि मेरा ब्लाउज का ही है। इसे हम इस तरह से रखकर इस पे सिलाई चला लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। हमने अपने डिजाइन पे लेस लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। ये देखिए हमने इस पर लेस लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसमें मोती लगाएंगे।
ये देखिए हमने इस पर मोती भी लगा लिया है और हमारा डिजाइन बनकर रेडी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसी लगी।